नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। मुंबई लोकल ट्रेन में आम पब्लिक यात्रा न करने की वजह से अब मामला कोर्ट में पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कहर बरपा चुके कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य की उद्धव सरकार ने कड़े कदम उठाए। ऐसे में मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेनें आम लोगों के लिए फिलहाल बंद कर दी गई है, लेकिन शहर में हाल ही में हुए अनलॉक के बाद से आम लोगों के लिए मुंबई लोकल ट्रेनों में सफर करने की मांग उठने लगी है। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके आम लोगों के लिए मुंबई लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग को लेकर मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश मुंबई ने आज मुंबई में पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों के लिए अलग से लोकल ट्रेन पास जारी करने की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को लोकल ट्रेनों में भी यात्रा करने की अनुमति देने के मामले में अब अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी। आप सभी को बता दें दोस्तों, मुंबई में लोकल ट्रेन शुरू करने को लेकर महाराष्ट्र में लगातार मांग उठ रही है। राज्य के कई नेता महाराष्ट्र सरकार से आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग कर रहे हैं। कई नेताओं ने सरकार से वैक्सीन ले चुके मुंबईकरों के लिए लोकल ट्रेन सेवा एक बार फिर से खोलने की मांग की है। तो उम्मीद की जा रही दोस्तों, बहुत ही जल्द आम पब्लिक के लिए लोकल ट्रेन में अनुमति मिल सकती है। ये थी दोस्तों मुंबई लोकल ट्रेन के लिए कि अब तक की ताज़ा खबरें। ऐसी महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले महाराष्ट्र मुंबई की ताज़ा खबरों के बारे में। थैंक यू।